लौकी और चना दाल की सब्जी बना रही है, ये सूखी सब्जी बनती है और ये एकदम खड़ी खड़ी बनती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसको आप चपाती के साथ खा सकते हैं या प्लेट पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप इसको जरूर बना के ट्राई कीजिए और चलिए हम इसे अब बनाना शुरू करते हैं। चना दाल और लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे घिया लिया या जिसको हम लौकी भी कहते हैं, इसको हमने छील के अच्छे से वॉश कर लिया और फिर हमने इसको पीसेस में कट कर लिया। ये पीसेस आप देखिए इतने साइज के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे आप इसमें ना कट करें, तो ये आपने ध्यान रखना है। और हमने साथ ही चना दाल ली है, ये चना दाल हमने ली है, इसको हमने 2 घंटे करीब भिगो के रखना है, तो ये हमने पहले से भिगोई हुई है। ये आप देख सकते हैं पहले से हमने भिगो के रखी हुई है दाल और ये काफी फूल भी गई है। इसका जो पानी है ये हमने सारा ड्रेन कर देना है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अब आगे सब्जी बनाने के लिए हमने वोक में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब ये गर्म ऑयल में हम जीरा डालेंगे सबसे पहले। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब जैसे ही ये जीरा थोड़ा भुन जाता है हम इसमें ये दाल डाल देंगे जिसका पानी हमने ड्रेन कर दिया है। ये बहुत ही इजीली बन जाती है सब्जी और ये बहुत ही हेल्दी होती है खाने में। मिक्स कर देते हैं इसको। 2 मिनट करीब हम ये दाल को ऐसे भूनेंगे। ये 2 मिनट करीब हो गए हैं दाल को कुक करते हुए। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे हमने चॉप अदरक ली हुई है, ये फाइन हमने चॉप करी हुई, ये डाल देते हैं। और साथ ही जो हमने लौकी कट किया हुआ था वो डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं ये सब। देखिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम है इसमें, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। वापस इसको मिक्स कर देते हैं। एकदम सूखी सब्जी बनती है और इसमें दाल एकदम खड़ी खड़ी रहती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसमें हम कोई पानी भी नहीं ऐड करेंगे, ये जो लौकी है इसमें भी अपना पानी होता है, उसी से ही ये दाल भी कुक हो जाएगी। और हम इसलिए इसको हमने दाल को 2 घंटे करीब भिगो के रखा है ताकि ये ईजिली कुक भी हो जाए, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर के भी नहीं कुक कर रहे, हम ऐसे खुले बर्तन में बना रहे हैं। ये नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कवर करेंगे। और इसको हम 10 मिनट ऐसे कुक करेंगे, फिर हम इसे खोल के चेक करेंगे। ये 10 मिनट करीब हो चुके हैं लौकी और चना दाल को कुक होते हुए। अब हम इसे खोलते हैं। देखिए इस टाइम काफी कुक हो गई है लौकी भी। अब हम फ्लेम लो कर देंगे एकदम और इसमें बाकी के मसाले डालते हैं। रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही इसमें हम भुना हुआ जीरे का मसाला डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स कर देते हैं सब। इसे आप टिफिन में भी लेके जा सकते हैं ऑफिस में और ये बच्चों को भी डाल के दे सकते हैं। बहुत हेल्दी होती है ये दाल और सब्जी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इस टाइम इसको वापस कवर करेंगे। इसको हम कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसको ऐसे 10 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से रच जाए दाल और लौकी में।
ये 10 मिनट्स हो चुके हैं लो फ्लेम पे सब्जी को कुक होते हुए। अब हम इसे खोलते हैं वापस। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। ये देखिए इस टाइम एकदम लौकी भी कुक हो गया है और दाल भी अच्छी कुक हो गई है। इसमें जो दाल है एकदम खड़ी खड़ी रहती है और लौकी के पीसेस भी आप देखिए अगर हम ज़्यादा छोटे कर देते तो इसमें मैश हो जाते हैं एकदम। इसमें इतने साइज के ही आपने रखने हैं। ये सब्जी बनकर इस टाइम एकदम तैयार है। हम इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको सर्व करने के लिए प्लेटिंग करते हैं। ये आप देखिए लौकी और चना दाल की सूखी सब्जी बनकर एकदम तैयार है और ये बहुत ही इजीली बन जाती है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कीजिए। और आपको हमारी वीडियोज और रेसिपीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।